हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन, इवेंट इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि अपन किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो लोकल स्टोरेज में हमारा क्या चीज होने वाली है, अपन सिंपल कोई भी चीज को स्टोर करेंगे और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, तो अगर अपन कोई भी साइट खोल रखे, या मान लीजिए कोई भी आप विंडो की टैब खोल रखे हो, अगर आप उसको क्लोज कर दोगे तब भी हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर जो अपन डेटा को सेव किए थे ना, वो रहने वाला है, क्योंकि ये लोकल स्टोरेज की चीज है। और इसके अपोजिट हमारी आती है सेशन स्टोरेज, उसमें हमारी चीजें रिमूव हो जाती है। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इनकॉग्निटो में कोई भी चीज देख रहे हो, अगर आप उसको क्लोज कर देते हो तो वापस हमारी वो चीजें नहीं आती है, हिस्ट्री में नहीं आती। तो ये हो गया हमारा सेशन स्टोरेज के बारे में। लेकिन अपन बात करने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में कि अपन किस तरीके से डेटा को लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ओके, तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, वो टेक इंडस्ट्री के अंदर आप करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि एक तो आपको ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलने वाले और एकदम कंप्लीट नहीं मिलने वाले। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया है न्यूटन स्कूल ने। तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएगा, किनके थ्रू, जो फार्म कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। ओके, मतलब एक्सपीरियंस बंदों के साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और आप एकदम बिगिनर हो या स्लो लर्नर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कंप्लीट प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें और डिटेल में जाननी है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लोकल स्टोरेज को अपन यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज शो कर देता हूँ कि हमारे लोकल स्टोरेज कहाँ पे होने वाले हैं और सेशन स्टोरेज कहाँ पे होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है, या फिर आप F12 प्रेस कर सकते हो आप अगर आप विंडो में हो तो। तो यहाँ पे कंसोल के बाद यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हमारे कहाँ पे आने वाला, आपको एप्लीकेशन के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो आपके पास वैसे बहुत सारी चीजें होंगी, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज के अंदर देखिएगा कि मेरे पास क्या क्या साइट। देखो मैंने यहाँ पे न्यूटन स्कूल की साइट खोल रखी है, तो मैं एक अलग से टैब खोल सकता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं की है। तो यहाँ पर आप देखो एप्लीकेशन के अंदर में लोकल स्टोरेज आएगा, और लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चीजें स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपन अपना डेटा कैसे स्टोर करें। अब यहाँ पर आप देखो लोकल स्टोरेज है और एक है मेरा सेशनल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज के अंदर अपन खुद का डेटा स्टोर करवाने वाले हैं, ओके, और उसको अपन गेट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ मेरे वीएस कोड एडिटर के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, देखो लोकल स्टोरेज को अपन एक्सेस किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आपको विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाले, कुछ मेथड्स होने वाले हैं। तो हमें गेट एलिमेंट के लिए मेथड है, सेट एलिमेंट के लिए है, रिमूव एलिमेंट के लिए है, और क्लियर जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैसे कोई भी हमारा डेटा है उसको स्टोर करवाएं लोकल स्टोरेज में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज यूज करना है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे सेट आइटम करना है, ठीक है। अब ये क्या चीजें ले रहा होगा, इसके अंदर हमारी दो चीजें होंगी, की वैल्यू पेयर के फॉर्म। मैंने आपको बताया ना, जो भी हमारा डेटा होगा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमारा स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे की आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, और की क्या होगी हमारी, यहाँ पे यूनिकली होगी, और जो हमारा क्या जो हमारी वैल्यू जो होने वाली है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होने वाली है। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इस तरीके से पाइथन, ओके, और कोई भी पाइथन का बुक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, न्यू पाइथन बुक, ठीक है। तो न्यू पाइथन बुक, ओके, अगर मैं इस पेज को सेव करूँ, और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, इसके अंदर अपन कुछ बॉयलर प्लेट कोड ऐड करते हैं इसका, और जो हमारी एप डॉट जेएस फाइल है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एप डॉट जेएस को, ओके। और अब पेज को क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं यहाँ पे, और अब आने वाले कंसोल पे, ठीक है, कंसोल पे नहीं लोकल स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास क्या चीजें आ चुकी है, तो ये मेरी पहली वाली चीजें हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ठीक है, इन सबको रिमूव करता हूँ, और अब इस पेज को वापस से रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो पाइथन मेरा इस तरीके से आ चुका है, और न्यू पाइथन बुक मेरी वैल्यू के अंदर आ चुका है। अगर आपको कुछ, ये मेरा नॉर्मल चीज होगी, मेरी स्ट्रिंग मैंने ऐड की। अगर आपको कोई, मान लीजिए कोई एरे आपको स्टोर करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, और मेरे पास एक एरे होने वाला है, तो एक मैं एरे बनाता हूँ इस तरीके से, एक एरे, ओके, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट होने वाले हैं, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ओके। तो इसको अपन ऐड करेंगे ना, तो उसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें इसको जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल की हेल्प से ही इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके ऐड करना है, ओके, क्योंकि हमें जेसन इसमें फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऐड करना होगा, जेसन, जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल, और इसके अंदर आपको एरे को पास कर देना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब पेज को रिलोड करना होगा ना,
ये भी आया क्यों नहीं हमें? हाँ, ये आया इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी यूनिकली की होती है ना, जो हमारी की होने वाली है ना, वो यूनिक होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन पाइथन ही कर रखा था, इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे इसको वन करता हूँ और अब यहाँ पे मेरा एक्यूरेट यहाँ पे मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा पाइथन के अंदर न्यू पाइथन बुक और पाइथन वन के अंदर मेरा एक एरे इस तरीके से स्टोर हो चुका है। तो ये मेरा फर्स्ट चीज होगी, किस तरीके से अपन आइटम को सेट कर सकते हैं। आप ये देखने वाले हैं कि जो हमने सेट किया ना, उस आइटम को किस तरीके से ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या यूज करना होगा, गेट आइटम आपको यूज करना है। तो यहां पर मारने वाला हूं, उसके लिए आपको सिंपल गेट आइटम यूज करना है। तो मैं एक इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, उसके उसकी जगह मैं यहाँ पे इसको ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको कुछ क्लास देता हूँ यहाँ पे, क्लास इस तरीके से टेक्स्ट। वो इसको पेज को सेव करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं और एक क्या करने वाले हैं, सिंपल एक टेक्स्ट की हेल्प से क्या करते हैं इसको, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे जो मेरी क्लास होने वाली है टेक्स्ट। और इसके बाद क्या करेंगे, इस आइटम को अपन गेट करने वाले हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल क्या ऐड करूंगा कि जो मेरा टेक्स्ट मैंने किया डॉट, इसके अंदर अपनी अपन ऐड कर देंगे। क्या चीज ऐड करने वाले हैं, इसके टेक्स्ट कंटेंट के अंदर इनर इनर एचटीएमएल, सॉरी डॉट इनर एचटीएमएल, और इसके अंदर क्या कैसे विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। ठीक है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज। इसके बाद आपको क्या यूज करना होगा, इसके बाद आपको यूज करना है गेट आइटम, गेट आइटम। अब इसके अंदर अपन क्या कौन सी की यूज करनी होगी, जिस भी आइटम का वैल्यू चाहिए ना वो। तो यहाँ पे मैं सिंपल पाइथन ऐड कर देता हूँ, पाइथन। तो इस पाइथन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये न्यू बुक आएगी और न्यू बुक यहाँ पे टेक्स्ट के एरर एचटीएमएल के अंदर ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे न्यू पाइथन बुक आ चुका है। तो ये हो गया मेरा किसके बारे में, सेट आइटम के बारे में और गेट आइटम के बारे में। अब यहाँ पे देखने वाले कि अपन इसको रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा, हमने क्या किया, एक नॉर्मल स्ट्रिंग को तो ले लिए हैं। अगर आपको कोई एरे यहाँ पे लेना हो तो वो अपन किस तरीके से ले सकते हैं। तो एरे के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल इस चीज को यहाँ पे आप कर रहे हो ना, इसको जेसन डॉट पार्स कर देना होगा। तो वो किस तरीके से, आपको सिंपल इसके आगे अगर कोई एरे है तो यहाँ पे सिंपल जेसन डॉट पार्स आपको यूज कर लेना है। उससे आपकी ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट में अपन देखते हैं कि किस तरीके से अपन इसको रिमूव करने वाले हैं। तो रिमूव के लिए आपको सिंपल क्या यूज करना होगा, इस तरीके से सेम चीजें, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, डॉट रिमूव आइटम, रिमूव आइटम, और इसके अंदर आपको की पास कर देनी है। की कौन सी पास करनी है, जो आपको रिमूव करना चाह रहे हो। तो मैं पाइथन वन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब पेज को सेव करते हैं और वापस चलते हैं हमारे इस वाली चीज पे। तो यहाँ पर आप देखेगा कि मेरे पास जो की थी पाइथन वन, वो मेरे यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस तरीके से अपन इस वाली चीज को कर सकते हैं। और मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो हमारा रिमूव का हो गया। अब देखते हैं इसको पूरे को क्लियर किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्लियर क्या, आपको कुछ यूज नहीं करना, आपको इसको एम्प्टी रखना है और यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लियर यूज कर लोगे ना, क्लियर इस तरीके से, तो आपकी पूरी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो ये मेरा पूरा रिमूव हो चुका है। तो इस क्लियर इंटरवल के बारे में हो गया। अब अपन लास्ट चीज मेरी जो बची हुई है वो ये है कि अपन किस तरीके से लोकल स्टोरेज की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे रिप्लीकेट करते हैं, पाइथन वन के पाइथन टू करते हैं और इसको पाइथन थ्री करते हैं और कुछ यहाँ से बुक टू करते हैं और इसको बुक थ्री करते हैं। और रिमूव वाली चीज को यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अभी देखते हैं लेंथ किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी चीजें हो गई है, यहाँ पे मैंने चार इसकी चीजें बना दी, पाइथन वन, पाइथन टू, पाइथन थ्री। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल बनाते हैं अलग से और इसके अंदर इसको स्टोर करवाएंगे। तो क्या होगा, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे लेंथ के लिए मेरे को यहाँ पे सिंपल क्या यूज करना होगा, डॉट लेंथ। तो लेंथ के अंदर फंक्शन है। और यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग करते हैं और लेंथ को क्या करने वाला है, कंसोल लॉग करने वाले हैं लेंथ। और आप पेज को सेव करते हैं और वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप आते हैं कंसोल पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोर लेंथ आ चुकी है मेरी लोकल स्टोरेज की। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अपन किस तरीके से लोकल स्टोरेज जो होने वाला है उसको यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और कैसे अपन आइटम को स्टोर करवा सकते हैं, गेट करवा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और हमारी लोकल स्टोरेज की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आने वाले टाइम में अपन क्या करेंगे, पूरा एक क्रड ऑपरेशन करने वाले, मतलब अपन पूरा एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। किसकी हेल्प से बना रहे होंगे, अपन लोकल स्टोरेज की हेल्प से बनाएंगे। मतलब अगर अपन पेज को रिलोड करें तो हमारा डेटा रिमूव नहीं होना चाहिए, वो हमारा स्टोर ही रहना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले अभी हमारे एक दो दिन के अंदर हमारी प्लेलिस्ट आने वाली है कंप्लीट रिएक्ट की भी, तो उस प्लेलिस्ट को आप बुकमार्क कर लीजिएगा जिससे आपको मैन्युअली सर्च ना करना पड़े। तो बस गए, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।